नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके आती है, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम हो, फोर्स का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपसे रिक्वेस्ट है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जल्दी से गुरुकुल अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। हम्पी याद रखना तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तुंगभद्रा सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बड़े एग्जाम में आता है। जी हाँ दोस्तों, कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? तो सोमदेव भट्ट हैं, कथा सरित सागर के रचयिता, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सोमदेव भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था, 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विशाल समुद्री जहाज टाइटेनिक किस वर्ष डूबा था? जी हाँ दोस्तों, किस वर्ष? 1912 में डूबा था विशाल समुद्री जहाज टाइटेनिक। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? लोकसभा के पिता के रूप में जानते हैं जेवी मावलंकर को। किसको जाना जाता है दोस्तों? जेवी मावलंकर को जाना जाता है लोकसभा के पिता के रूप में, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, जेवी मावलंकर। नेक्स्ट, पानी के प्रवाह का मापक क्या है? तो पानी के प्रवाह का जो मापक है क्यूसेक होता है, क्यूसेक है, क्यूसेक है पानी के प्रवाह का मापक, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है दोस्तों? तो अध्यक्ष देता है, संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। ठीक है, नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकॉफ के बीच कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? तो याद रखना अमृतसर की संधि हुई थी, कौन सी? अमृतसर की, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अमृतसर। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन प्रयाग में प्रत्येक कितने वर्षों में धार्मिक सम्मेलन कराता था? तो हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन कराता था हर्षवर्धन, डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक रथों का निर्माण किसने किया? किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया, तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? ये बलबन ने प्रारंभ किया था नवरोज पर्व को, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बलबन। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था दोस्तों? अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा को, किसने? अकबर ने बनवाया था, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया था दोस्तों? तो 1582 में चलाया था दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1582। नेक्स्ट है, द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैकियावेली है दोस्तों, द प्रिंस पुस्तक के लेखक
बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मैकियावेली। नेक्स्ट है, अनामिका पुस्तक के लेखक कौन है? अनामिका पुस्तक के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बद्रीनाथ में है। कहाँ स्थित है व्यास गुफा? व्यास गुफा है बद्रीनाथ में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, बद्रीनाथ। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है दोस्तों? उत्तर दिशा को इंगित दिखाता है ध्रुव तारा, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तर दिशा। नेक्स्ट, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा दोस्तों, मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है वो दिवेही है। क्या है? दिवेही। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दिवेही। नेक्स्ट है, विवेकानंद रोग किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रोग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है विवेकानंद रोग। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा है दोस्तों, कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, महाभारत। ओके, नेक्स्ट, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत बड़ा था एग्जाम में, दादा भाई नौरोजी ने किया था धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, त्वरण की इकाई क्या होती है दोस्तों? त्वरण की इकाई होती है मीटर पर वर्ग सेकंड, मीटर पर वर्ग सेकंड। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मीटर पर वर्ग सेकंड। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी दोस्तों तंबाकू की खेती, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, अकबर। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल, यानी ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, टोडरमल। देखिएगा, नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, अजमेर। नेक्स्ट, जंतर मंत्र का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था जंतर मंत्र का निर्माण। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जयसिंह। देखिएगा, नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। सी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 44वां संविधान संशोधन। देखिएगा, नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस समिति के आधार पर शामिल किया गया? तो सवर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किया गया मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सवर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, मंडल आयोग के अध्यक्ष। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बीपी मंडल। देखिएगा, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था ये दोस्तों? प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, यह अमेरिकी क्रांति का नारा था। किस क्रांति का नारा था ये? अमेरिकी क्रांति का। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितने डिग्री फारेनहाइट होता है? तो ये होता है दोस्तों 98.6 डिग्री फारेनहाइट, यानी बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट है, गैट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 12 नवंबर सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 35% होती है समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा, 35%। नेक्स्ट, किसी वृक्ष की आयु की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो किसी वृक्ष की आयु की जो गणना है दोस्तों, तने के घेरे के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तने के घेरे के द्वारा। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तने के घेरे के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उद्यम क्या है? भारत का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे है दोस्तों, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्यम रेलवे। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार के विधि सलाहकार कौन होता है? तो राज्य सरकार के लिए विधि सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट है, येलो बुक किस देश की राजकीय फाइल है? तो फ्रांस देश की राजकीय फाइल है दोस्तों येलो बुक, ठीक है, येलो बुक है फ्रांस देश की राजकीय फाइल। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, फ्रांस। नेक्स्ट है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है दोस्तों ओबरा परियोजना। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यूएसए और कनाडा को अलग करती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, यूएसए और कनाडा। चलेगा नेक्स्ट, जबरदस्त है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 नवंबर। टॉप क्वेश्चंस के साथ दोस्तों हमारी क्लास है, सभी क्वेश्चन रामबाण है। मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो 1972 में मिला मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1972। नेक्स्ट, पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों पुरी के जो मंदिर हैं किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित हैं पुरी के मंदिर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, नागर शैली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रह किसे चुना? किसे चुना? विनोबा भावे को चुना। किसको? विनोबा भावे को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर देगी? बताएगा फटाफट। जी हां, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 86वां संविधान संशोधन। देखिए नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1964 में की गई थी दोस्तों, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1964। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954 में। 1954 में की गई थी दोस्तों राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, 9 जनवरी। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? दोस्तों तो गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है?
तो तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है कड़गम। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। किसे कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों, भरतपुर को। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट, व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक कौन है? जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। कौन है? किरण बेदी हैं। व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? किरण बेदी। किरण बेदी हैं। व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक, यानी सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जबरदस्त, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बड़ा आता है एग्जाम में, माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो माहेश्वरी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है माहेश्वरी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया संशोधन, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है? तो अटलांटिक महासागर दिखता है एस की तरह, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया? तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में मिला लिया गया बैंक ऑफ मदुरा को, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 1875। नेक्स्ट, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? काकोरी डकैती घटना के नायक, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, भारत है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, ऑप्शन बी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, और भारत में राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में है? तो यूएसए में है दोस्तों सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यूएसए। नेक्स्ट है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था दोस्तों? अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक नाम था अजात शत्रु का। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक नाम था अजात शत्रु का, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कुणिक। देखिए नेक्स्ट, मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों मेडागास्कर, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये प्रसिद्ध है स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए? स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का कालगुर्गी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, स्वर्ण उत्पादन। देखिएगा नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो याद रखना, प्रोटीन का जो दोस्तों
निर्माण है राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है प्रोटीन का निर्माण। देखिएगा नेक्स्ट है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ौदा में है दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। कहाँ है? बड़ौदा में। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की जो शुरुआत है कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में हुई थी भारत रत्न की शुरुआत। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी जल्दी से फटाफट एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें सभी साथी। जी हाँ, देखिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, पाचन का कार्य अंतिम रूप से कहाँ संपन्न होता है? पाचन का जो कार्य है अंतिम रूप से संपन्न होता है कहाँ? छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में, ठीक है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तीन होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई, जो आप देंगे फटाफट, किस वर्ष हुई? तो 1946 में हुई। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1946 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? जी हाँ, 46, 46 होती है, 46 होती है, ठीक है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व के मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत बार एग्जाम में आता है, किसने किया था? तो ये किया था वर्नियर ने। किसने किया दोस्तों? वर्नियर ने किया। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वर्नियर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्नियर। चलेगा देखिए नेक्स्ट है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखना, घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर हैं घासीराम कोतवाल के लेखक। आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, विजय तेंदुलकर। नेक्स्ट, संसद के तीन दशक के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। संसद के तीन दशक के लेखक, संसद के तीन दशक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करती है? जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, कौन करती है? तो याद रखना, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 27 सितंबर। नेक्स्ट, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, चेन्नई में स्थापित हुआ था देश का पहला विधि विश्वविद्यालय। कहाँ? चेन्नई में स्थापित हुआ था, चेन्नई में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। नेक्स्ट है,
अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के किस अभिलेख में है दोस्तों कलिंग युद्ध का वर्णन? तो ये है 13वें अभिलेख में, 13वें अभिलेख में है दोस्तों, याद रखना कलिंग युद्ध का वर्णन। तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 13वें अभिलेख में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखना कितनी होती है, शून्य होते, शून्य। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, शून्य। देखिए नेक्स्ट, कवि गुरु किसे कहा जाता है दोस्तों? कवि गुरु किसे कहा जाता है? कवि गुरु किसे कहते हैं? जी हाँ, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, उत्तरी अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा के 403 सदस्य हैं। चलेगा नेक्स्ट, भारत की वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ दोस्तों? 1969 में हुआ, 1969 में हुआ, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1969। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर बना? तो ये दोस्तों लखनऊ में बना। कहां बना? लखनऊ में। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, लखनऊ। चलेगा नेक्स्ट है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों देखिए, रोज क्लास में आएंगे, आपकी तैयारी मजबूत बनेगी। ये क्लास रोजाना सुबह 6 बजे होती है, रोज सुबह 6 बजे आइए, तैयारी को मजबूत बना लीजिए। अगर दोस्तों जीके मजबूत करनी है ना, तो सुबह 6 बजे समय पर आइए, फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास को ज्वाइन कीजिए। रोज क्लास होती है, ठीक है, अगर सुबह नहीं आ पाते कोई बात नहीं, दोपहर में, शाम को, नाइट में, जब भी टाइम मिले आप दोस्तों क्लासों कवर कर लेना, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। रोज दोस्तों सुबह 6 बजे नए क्वेश्चंस के साथ क्लास करवाई जाती है, हर रोज नए क्वेश्चन। पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में, 1916 में हुई थी, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1916 में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? दोस्तों देखिए, फ्री क्लास साथ ही फ्री पीडीएफ, क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी, एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथी फटाफट एक साथ मिलकर दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री क्लास साथ में, फ्री क्लास आते हैं, फ्री पीडीएफ भी, तो फटाफट लाइक करेंगे जल्दी से। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलवार संत। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह मेरठ में किस तिथि से शुरू हुआ? किस तिथि से हुआ दोस्तों शुरू? ये हुआ 10 मई से, 10 मई से, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 10 मई। नेक्स्ट है, देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा जी नेशनल पार्क बताएगा फटाफट कहाँ है? राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में है राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल। नेक्स्ट है, पेंसिल का शीशा किसका बना होता है दोस्तों? ग्रेफाइट का बना होता है, पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप
भटनागर पुरस्कार। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गए हैं। पहली बार क्लास में आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से सभी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ से PDF प्राप्त करेंगे। ठीक है जी, हाँ सर, तो फटाफट PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।